हेलो एवरीवन, फॉरेस्ट्री ऑप्शनल की लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेक्चर नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है नर्सरी प्रैक्टिसेस ऑफ इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट ट्री स्पीसीज ऑफ राजस्थान एंड इंडिया। इसके साथ ही हम देखेंगे कंट्रोल मेजर्स ऑफ नर्सरी पेस्ट एंड डिजीज एंड स्टैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। फॉरेस्ट्री ऑप्शनल के कोर्स में हम कंप्लीट कर चुके हैं फर्स्ट यूनिट में रीजनरेशन मेथड तक। आज हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। हमारा जो फॉरेस्ट्री ऑप्शनल का कोर्स है वो काफ़ी वाइड सिलेबस है, इसलिए हम टू द पॉइंट उसको जल्दी जल्दी से डिस्कस करेंगे। और अगर आपको मेरी आवाज़ स्लो लगती है, स्पीड स्लो लगती है, तो आप इसको 1.5 स्पीड पर करके देख सकते हैं। सो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ए नर्सरी? सबसे पहले हम देखेंगे कि नर्सरी क्या है। नर्सरी से आप सभी भली भांति परिचित ही होंगे। नर्सरी एक साइट होती है या फिर एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे सीडलिंग प्रोड्यूस की जाती है, यानी यहाँ पे छोटे छोटे पौधे तैयार किए जाते हैं फेवरेबल कंडीशन के अंडर। यहाँ फेवरेबल कंडीशन से मीनिंग है कि उनको प्रॉपर लाइट, प्रॉपर एयर, प्रॉपर उनको जो फर्टिलाइजर्स हैं वो अवेलेबल हों। अब हम देखेंगे कि एम क्या है नर्सरीज़ का। जो नर्सरीज़ हैं उनका एम होता है कि सफिशिएंट क्वांटिटीज़ में सीडलिंग को प्रोड्यूस किया जाए ताकि जो यूजर्स हैं उनकी नीड को सेटिस्फाई किया जा सके। हम देखते हैं कि मॉनसून सीजन में जो सीडलिंग्स हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि उस टाइम जो प्लांटेशन है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है। अब हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है नर्सरी की और इसका रोल। जो सीडलिंग्स होती हैं या फिर ग्राफ्ट्स होते हैं उनको नर्सरी में प्रोड्यूस किया जाता है ताकि जो फलों के बगीचे होते हैं या फिर जो ऑर्नामेंटल गार्डन्स होते हैं वहाँ पे वो प्लांट हैं वो इस्टेब्लिश किए जा सके मिनिमम केयर और कॉस्ट में। यहाँ नर्सरी में सीडलिंग अवेलेबल होती हैं ताकि जो फार्मर्स हैं या फिर जो भी यूजर्स हैं जिनमें आप हो सकते हैं, मैं हो सकती हूँ, वो यहाँ से प्लांट खरीद सकें ताकि यहाँ पे टाइम, मनी और एफर्ट बचाया जा सके। क्योंकि सीड से सीडलिंग प्रिपेयर होने में जो टाइम लगता है, नर्सरी में सीडलिंग पहले ही प्रिपेयर कर ली जाती है ताकि डायरेक्ट सीडलिंग को ग्रो करके जल्दी प्लांट प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है जो फ्रूट्स के बगीचे हैं या ऑर्नामेंटल गार्डन हैं या वेजिटेबल्स और लैंडस्केप गार्डन हैं, पब्लिक प्लेसेस पे, हाईवेज पे आपको देखने को मिलते हैं पेड़, और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके लिए वाइड स्कोप है नर्सरी का, क्योंकि वहाँ प्लांटेशन के लिए सीडलिंग की आवश्यकता होती है और नर्सरी इस में अहम योगदान रखती है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे जेनेटिकली इम्प्रूव्ड क्वालिटी हैं उसके प्लांट्स मिल जाते हैं ताकि प्लांटेशन से हमें जो प्रोडक्शन है वो अच्छा प्राप्त हो। नेक्स्ट है इससे एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल होता है लोगों को, क्योंकि यहाँ पे कुछ टेक्निकल और कुछ स्किल्ड, कुछ सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है नर्सरी के लिए। और नेक्स्ट है कि यहाँ पे जो आपकी फ्रूट, पल्प और पेपर इंडस्ट्री है या फिर फ्यूल, टिम्बर, फोडर इंडस्ट्री है उसके लिए जो सीडलिंग चाहिए उसके लिए नर्सरी काफ़ी इम्पोर्टेंट सोर्स होती है। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि क्या इम्पोर्टेंस है नर्सरी की। अब हम गाइडलाइंस देखेंगे नर्सरी के लिए। यहाँ पे जो साउथ वेस्ट मॉनसून आता है इंडिया में उसके लिए जुलाई और अक्टूबर, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून एरियाज़ के लिए टाइम डिसाइड किया गया है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्लांट्स कितने होने चाहिए एक नर्सरी में इसके लिए एक गाइडलाइन है कि नंबर ऑफ प्लांट्स रिक्वायर्ड फॉर सीजन, इसको अगर हम W मान लेते हैं, और
नर्सरी में जो प्लांट है उनकी डेथ हो जाती है, वो ऐसे प्लांट अगर एग्स हैं, और ट्रांसपोर्टेशन यानी इधर उधर ले जाने के टाइम लॉस जो होता है वो वाइल्ड प्लांट्स का हो जाता है। नेक्स्ट है सीडलिंग रिक्वायर्ड ऑफ बफर लॉस, यहाँ पे बफर में भी रखने पड़ते हैं कुछ प्लांट, सो जड़ उनको माना गया है। और टोटल सीडलिंग कितनी होनी चाहिए उसका फॉर्मूला यहाँ है कि सीजन के लिए जितने रिक्वायर्ड हैं वो, उसके साथ ही मॉर्टेलिटी वाले ट्रांसपोर्टेशन के दौरान लॉस हो जाता है वो, और सीडलिंग रिक्वायर्ड ऑफ बफर लॉस सबको ऐड करके इतने प्लांट यहाँ पे प्रोड्यूस करने पड़ते हैं ताकि लास्ट में हमें जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो मिल सके, उतने प्लांट्स हमें मिल पाएं। क्योंकि अगर हम डब्लू प्लांट्स ही अगर प्रोड्यूस करेंगे तो फिर जो मॉर्टेलिटी होगी प्लांट्स की या फिर ट्रांसपोर्टेशन में लॉस होगा, उससे हमारे पास जो प्लांट्स रह जाएंगे वो हमारी जो नीड है उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ ए गुड नर्सरी। नर्सरी के लिए जो साइट होती है वो न्यूट्रिएंट रिच होनी चाहिए, मीडियम सोइल होनी चाहिए, और उसके पास वाटर रिसोर्सेज होने चाहिए यानी इरिगेशन की क्वालिटी वहाँ होनी चाहिए, और सोइल पैथोजन और इंसेक्ट से फ्री होनी चाहिए वो लैंड। नेक्स्ट है कि चीप और स्किल्ड लेबर भी अवेलेबल होना चाहिए, और मेन रोड तक इजी ट्रांसपोर्टेशन हो सके इस तरीका का वहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट है जो साइट चूज़ की जाए वो जेंटली स्लोपिंग एरिया में होनी चाहिए और अवे फ्रॉम अदर टॉल क्रॉप्स, ताकि ड्रेनेज जो है वो अच्छे से हो सके और एयर सर्कुलेशन हो पाए ताकि प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से हो। नर्सरी के लिए साइट चूज़ करते टाइम ध्यान रखना चाहिए कि वो मोस्ट इफ़ेक्टिव हो, एफिशिएंट हो और इकोनॉमिकली डिज़ाइन की गई हो। नेक्स्ट है पर्पस एंड टारगेट ऑफ प्लांट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, जो प्रोड्यूस करे जाने हैं वो डिसाइड करते हैं साइट सिलेक्शन को और उसके इम्प्रूवमेंट को, कि उन प्लांट के अकॉर्डिंग और इम्प्रूवमेंट किया जाता है नर्सरी साइट्स में। इसके साथ ही केयरफुल ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है साइट कंडीशन का, कि पहले कैसे क्लाइमेट रिकॉर्ड रहा है नर्सरी का और प्रेजेंट में कैसा रिकॉर्ड है, इसके बेसिस पे प्रोडक्शन को इंश्योर किया जाता है। नेक्स्ट है इनपुट्स। सो इनपुट में कंटेनर्स, नर्सरी मीडिया यानी प्रोपेग्यूल्स, वाटर, फर्टिलाइजर्स, केमिकल, इलेक्ट्रिसिटी, टूल्स, इक्विपमेंट, मशीनरीज और लेबर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। सो ये सारे नर्सरी के लिए इनपुट का काम करते हैं, यानी किसी भी नर्सरी को स्टार्ट करने के लिए ये सब रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट है हाउ टू असेस क्वालिटी ऑफ सीडलिंग। इसके लिए एक इंडेक्स होता है, डिक्सन क्वालिटी इंडेक्स। सो फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो डिक्सन क्वालिटी इंडेक्स है इसको जो सैम्पलिंग है उसके डिस्ट्रक्ट होने के बाद में हम इसको निकाल सकते हैं, यानी डिस्ट्रक्ट होने के बाद पता चलता है क्वालिटी ऑफ सीडलिंग्स। और ये जो डिक्सन क्वालिटी इंडेक्स है ये यूजफुल है इवन एज सीडलिंग्स की क्वालिटी को एवेल्यूट करने के लिए, और कंपैरिजन जब किया जाता है डिफरेंट एज ग्रुप में तो ये फॉर्मूला फेल हो जाता है। सो अब हम देखेंगे कि प्लांटेशन किस किस तरीके से किया जा सकता है। एक होता है सेक्सुअल प्लांट प्रोपागेशन। इसमें जो डेवलपिंग प्लांट है वो सीड से डेवलप करता है, और सीड है इसके तीन पार्ट होते हैं, आउटर सीड कोट जो कि सीड को प्रोटेक्ट करता है, और एंडोस्पर्म जो फूड रिजर्व का काम करता है, उसके बाद होता है एम्ब्रियो जो कि यंग प्लांट खुद होता है। और जब एक मैच्योर सीड को फेवरेबल इन्वायरमेंट यानी उसको प्रॉपर लाइट, प्रॉपर एयर, जो सोइल है वो अच्छी हो, तो ये जर्मिनेट होता है और एक्टिव ग्रोथ करके एक प्लांट बनता है। नेक्स्ट है एसेक्सुअल प्लांट प्रोपागेशन। इसमें वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट से प्राप्त किया जाता है प्लांट, यानी लीव से, स्टेम और रूट वगैरह से। ये जो प्लांट हैं
वो सिंगल मदर प्लांट या फिर अदर प्लांट से लिए जाते हैं। और प्लांट्स को प्रोड्यूस करने के जो वेजिटेटिव मेथड हैं वो हैं कटिंग, एयर लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और माइक्रो प्रोपागेशन। ये हमारा एक अदर टॉपिक है प्लांटेशन मेथड का, वहाँ पे हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो एक बार जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे इन्हें देख रहे हैं। सो हमारा जो ये टॉपिक है प्लांटिंग मेथड एंड प्लांटेशन, यहाँ पे सब मेथड्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग जो होती है वो प्रोसेस में जॉइनिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इस तरीके से कि दे यूनाइट एंड कंटिन्यू टू ग्रो एज ए सिंगल प्लांट। सो यहाँ आप देख सकते हैं ग्राफ्टिंग को कि दो अलग अलग प्लांट्स के यहाँ पे ब्रांचेज ली हैं और इनको जोड़ के फिर नया प्लांट बना है। नेक्स्ट है बडिंग। बडिंग जो है वो ग्राफ्टिंग से अलग होती है। इसमें ओनली ये सिंगल लेटरल बड है वो यूज की जाती है, और जबकि ग्राफ्टिंग में हमने देखा कि स्टेम लिए थे हमने दो प्लांट्स के। तो जो बडिंग की प्रोसेस होती है उसमें इस तरीके से एक बड प्रिपेयर होती है और उसको हम इंडिपेंडेंटली फिर प्लांट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एयर लेयरिंग। सो जो एयर लेयरिंग की प्रोसेस होती है उसमें यहाँ इस तरीके से गिर्डल किया जाता है और ये कट किया जाता है ताकि जो कैम्बियम है वो यहाँ पे रूट डेवलप होने दे। अगर यहाँ से कट नहीं करेंगे तो कैम्बियम की वजह से ये हील हो जाएगा और रूट डेवलप नहीं हो पाएंगी। सो यहाँ देख सकते हैं आप इस तरीके से एयर लेयरिंग की गई है इस प्लांट में और यहाँ पे फिर रूट्स डेवलप हो जाती हैं, उसके बाद इसको कट करके हम प्लांट कर सकते हैं। सो ये हुई रूट लेयरिंग, सॉरी एयर लेयरिंग। सो इस तरीके से हमने देखा कि एयर लेयरिंग किस तरीके से की जाती है। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोपागेशन। माइक्रो प्रोपागेशन एक वेजिटेटिव प्रोपागेशन है विट्रो कंडीशंस के अंडर। माइक्रो प्रोपागेशन में मिनिएचर प्लांट टिश्यूज को यूज करके टेस्ट ट्यूब और कंटेनर में प्लांट को ग्रो किया जाता है, उसके बाद उन्हें प्लांट कर दिया जाता है। सो आप यहाँ देख सकते हैं माइक्रो प्रोपागेशन ऑफ बनाना, यहाँ पे ट्यूब्स वगैरह में या फिर इस तरीके से कंटेनर्स में ये प्रिपेयर किए जाते हैं। अब हम देखेंगे नर्सरी टेक्नोलॉजी फॉर सम इम्पोर्टेंट ट्री स्पीसीज, तो कुछ ट्री स्पीसीज को देखेंगे। अभी हमारा जो टॉपिक है उसमें नर्सरी प्रैक्टिसेज जो है वो सिलेबस में है ट्रीज़ की, लेकिन हम यहाँ पे कुछ ट्री स्पीसीज को भी देख लेंगे। फर्स्ट है टिम्बर एंड इंडस्ट्रियल वुड ट्री स्पीसीज, इसमें है एक्सेशिया निलोटिका। सो ये जो प्लांट है वो नॉर्थ इंडिया में काफ़ी देखने को मिलता है, इसको हमारी लैंग्वेज में कीकर बोलते हैं। सो ये जो प्लांट है वो राजस्थान और इंडिया का एक इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्लांट है। नेक्स्ट प्लांट है एलियंथस एक्सेलेसा। सो आपने ये प्लांट देखा होगा। नेक्स्ट प्लांट है नीम का प्लांट है ये। सो ये भी टिम्बर वगैरह के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट स्पीसीज हैं। नेक्स्ट प्लांट है एल्बिजिया लिबेक। सो ये प्लांट पे आपने देखा होगा, नॉर्थ इंडिया का ये कॉमन प्लांट है एक। नेक्स्ट है बेम्बू प्लांट। सो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्री स्पीसीज हैं। नेक्स्ट है डेलबर्जिया सीसू, ये शीशम का प्लांट है, नॉर्थ इंडिया में पाया जाने वाला, बहुत ही कॉमनली पाया जाता है ये प्लांट। नेक्स्ट प्लांट है डेंड्रोकेलेमस, एंड इससे आगे फिर है जेमेलिना अर्बोरिया प्लांट, उसके बाद है यूकलिप्टिस जो सफ़ेदी का पेड़ बोलते हैं वो ये प्लांट है, उसके बाद है टेक्टोना ग्रैंडिस प्लांट।
सो ये टिम्बर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्री स्पीसीज हैं। अब हम देखेंगे कुछ फ्यूल वुड ट्री स्पीसीज। सो एक्सेशिया ओरिकोलिफोर्मिस जो है ये एक फ्यूल वुड स्पीसीज हैं। नेक्स्ट है एक्सेशिया सेनेगल स्पीसीज। नेक्स्ट फ्यूल वुड स्पीसीज हैं कैसुरियाना, उसके बाद है पोंगेमिया पिनाटा स्पीसीज, इसके बाद है प्रोस्पिस सिनेरेरिया स्पीसीज, उसके बाद है थॉर्न लेस एंड स्वीट पोड प्रोसोसिस वेराइटी, इसके बाद कुछ फोडर ट्री स्पीसीज हैं एक्सेसिया ल्यूकोफोलिया। नेक्स्ट है एल्बिजिया प्रोसेरा, उसके बाद ये काफ़ी कॉमन ट्री है ल्यूसेनिया। नेक्स्ट है मोरिंगा ओलिफेरा, उसके बाद है सेसबेनिया ग्रैंडिफ्लोरा, और ये है जीजीफस यानी बेर का जो प्लांट है वो ये फोडर ट्रीज में आते हैं। सो ये हमने देखे टिम्बर फ्यूल और फोडर स्पीसीज, स्पेशली ये राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में है, यानी हमने एक बार जस्ट इसको देखा है। ये हमारे टॉपिक में मेंशन नहीं था, जो नर्सरी प्रैक्टिसेज हैं वो हमें देखनी थी, लेकिन हमने एक बार इसका ओवरव्यू ले लिया है। नेक्स्ट है नर्सरी डिजीज और उनका मैनेजमेंट। यहाँ पे जो सीड्स हैं उनमें डैम्पिंग ऑफ विल्ट यानी मुरझाने, रूट रोट, रस्ट और पाउडरी मिल्ड्यू जैसे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स पैथोजन इन्फेक्शन की वजह से होती हैं। सो प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे स्टरलाइजेशन किया जाता है नर्सरी मिक्सचर का, या फिर प्री ट्रीटमेंट कर लिया जाता है फंजीसाइड से। सो जैसे ही प्लांट में डिजीज देखने को मिलती है तो हम पता लगाते हैं उसके सिम्टम से, और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है उसी के अकॉर्डिंग। नर्सरी पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट। यहाँ पे जो नर्सरी होती है उसको काफ़ी इंजरी पहुँचाई जा सकती है काफ़ी सारे इंसेक्ट से। उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, मेजर नर्सरी पेस्ट यानी वाइट ग्रब्स, कटवर्म्स, टर्माइट्स और क्रिकेट्स। नेक्स्ट है माइनर नर्सरी पेस्ट, इसमें डिफोलिएटर्स आते हैं, सेपसकर्स, ग्रास हॉपर्स वगैरह आते हैं। इसके बाद है नॉन इंसेक्ट पेस्ट, इसमें नेमाटोड्स वगैरह आते हैं, और वर्टेब्रेट पेस्ट जो हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे कल्चरल प्रैक्टिसेस जो होती हैं सूटेबल, उनको अडॉप्ट करके या फिर बेटर सैनिटाइजेशन वगैरह से हम इन इंसेक्ट से छुटकारा पा सकते हैं। सो हम एक एक करके इन पेस्ट को जल्दी से देखेंगे। जब हम यूनिट नंबर 3 को देखेंगे तो वहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ इंजरियस एजेंसीज को देखेंगे। यहाँ पे हमें पेस्ट वगैरह वाला ये टॉपिक आएगा डिटेल से, तो हम डिटेल से इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि यू कैन सी हियर ट्री डिजीज़ क्लासिफिकेशन और प्रिंसिपल ऑफ ट्री डिजीज़ मैनेजमेंट, इसकी बात यहाँ की गई है। सो हम यहाँ पे देखेंगे उन सबको। सो एक बार जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट है वाइट ग्रब्स, ये एक मेजर पेस्ट है जो टीक, मैंगो, साल और जो लेग्यूमिनस सीडलिंग होते हैं उनमें पाया जाता है। सो ये जो पेस्ट हैं वो वाइट ग्रब्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है कटवर्म्स, कटवर्म्स है वो यंग सीडलिंग्स को नुकसान पहुंचाते हैं, और जो पाइन, सेडार, मैंगो, सेपोटा, कैजुरियाना स्पीसीज हैं उनको ये काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। ये जो पेस्ट स्पीसीज हैं ये हैं कटवर्म। सो हमारे लिए यहाँ इम्पोर्टेंट है कि कौन से जो पेस्ट हैं वो कौन सी जो ट्री स्पीसीज हैं उनके लिए हानिकारक हैं। यहाँ नेक्स्ट है टर्माइट,
ये जो हैं वो डैमेज करते हैं सीडलिंग को। प्राइमरी अटैक में ये जो टैप रूट है उस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सेकेंडरी अटैक में ये अटैक करते हैं आफ्टर ड्रॉट पैथोजन्स। सो यहाँ देख सकते हैं आप, ये टर्माइट्स हैं। नेक्स्ट है क्रिकेट्स। सो ये पेस्ट्स कहलाते हैं क्रिकेट्स। ये फाइकस कैजुरियाना, यूकलिप्टिस, शीशम और टीक, रबर, मैंगो जैसी जो सीडलिंग्स हैं उनको इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है माइनर एंड नॉन इंसेक्ट पेस्ट। इसमें डिफोलिएटर्स आते हैं जो बीटल्स वगैरह या कैटरपिलर वगैरह, वाइट फ्लाइज, ग्रीन लीफ होपर। इसके अलावा जो नेमाटोड्स होते हैं या फिर रेट, स्क्विरल, हेयर, डियर, माइट, बर्ड्स, ये सब इम्पोर्टेंट नॉन इंसेक्ट पेस्ट हैं। ये भी क्रॉप्स को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। सो हमने आज डिस्कस किया नर्सरी प्रैक्टिसेस को। इसके अलावा हमने ट्री स्पीसीज देखी और मेजर जो पेस्ट हैं उनको हमने देखा, और इसको हम जो इंजरीज पढ़ेंगे यूनिट 3 में वहाँ इसके मैनेजमेंट को भी डिस्कस करेंगे। सो हमारे नेक्स्ट चैप्टर में हम फॉरेस्ट नर्सरी को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।